देखो बड़ी अचंभे वाली गल लगी, कोई भी ऐसा माहौल नहीं सी कि कोई इस किस्म का ऐलान आऊगा। मैनू फोन आ गया निहालगढ़ साहब का, असी गल कर लग गए तो उन्होंने फोन चो मैनू सुनिया कि एक बंदा कह रहा भी मोदी ने कुछ अनाउंसमेंट करता 3 कानून का। जिनी जनता पंजाबियों की सारी साडा सिख भाईचारा साढ़े गायक मित्र साडिया धार्मिक संस्थावां संप्रदावान के सारे नुमाइंदे से जोड़े उन्होंने सारी पोलीटिकल पार्टियां पंजाब दियां सारिया ने हत्थां ते चक लिया सी किसान अंदोलन नूं। पर मैं यह मनदा कि अपनी फेलर यह भी मनते हैं कि बहुते लोग साढ़े तो पासे हो रहे हैं, साडा ग्राफ डिग रहा है, बहाना यह ला रहे हैं भी असी कुछ नूं समझा नहीं सके। उन्होंने यदा प्राश्चित भी किया, माफ़ी भी मंगी, किसानों के बाकी मसले भी है। सो इस करके चाहे क्रैडिट अमरिंदर सिंह लै ले, चाहे वह चरणजीत चन्नी लै ले, चाहे वह मोदी साहब लै लें, एक क्रैडिट तो जाता किसानों जिन्होंने लड़ाई लड़ी। खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध लगातार किसानों का अंदोलन लंबे समय तो जारी है, पर अज सवेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं इस चीज़ का कि वह तीनों खेतीबाड़ी कानून वापस लैन जा रहे हैं और बहुत जल्दी सैशन के सारी प्रक्रिया हो जाएगी। साडे नाल डॉक्टर दर्शनपाल ने, सीनियर किसान आगू ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब। थैंक यू, शुक्रिया। सब तो पहला सवाल यही है, जदों अज तो वैसे चेहरे पर स्माइल भी है, तो जदों नरेंद्र मोदी हुणी ऐलान कर रहे थे इस चीज़ का की आ रहा है जहन के जो तुहाडे कोल खबर पहुंची भी तीनों खेतीबाड़ी कानून रद्द करन दी गल हो गई है? देखो बड़ी अचंभे वाली गल लगी, कोई भी ऐसा माहौल नहीं सी कि कोई इस किस्म का ऐलान आऊगा। असी अपनियां तैयारियां च मीटिंगां च मैं अज जींद अपने हांसी जाना सीगा, अज उत्थे धरना सीगा, वो जिहड़ा एम पी दे विरुद्ध चल रहा है, राज्यसभा दे एम पी दे विरुद्ध, जांगड़ा दे विरुद्ध। मैं हले पेंट पाउण ही लग्या सी कि मैनू फोन आ गया निहालगढ़ साहब का, असी गल कर लग गए तो उन्होंने फोन चो मैनू सुनिया कि एक बंदा कह रहा भी मोदी ने कुछ अनाउंसमेंट करता 3 कानून का। मैं मेरे नाल साडा मुंडा बैठा सी, उन्हूं कहा भी यूट्यूब ते देख, उन्हें देख के दस्या मैनू भी हाँ इस किस्म की खबर आ रही है। सो ये खबर ने दो तरह का रिएक्शन किया, एक रिएक्शन तो यह किया मेरे ते कि बहुत खुशी हुई इस गल ते, बहुत अपने आप ते कह लो भी संतुष्टि हुई, खुशी हुई, किसान अंदोलन की इस जो जित हुई है वो तो मैनू यह लग्या कि किसानों के अंदर अज बहुत वड्डा एक सैल्फ सैटिस्फैक्शन है जिहड़ी वो आई है। पंजाब के अंदर तो मैनू पता कि पंजाबियों ने जिवें तोरिया सी किसानों, तो किसान जिवें मैनू पता आए सी उदण बैरीकेडा पासे करते हुए, तो जिनी जनता पंजाबियों की सारी साडा सिख भाईचारा साडे गायक मित्र साडियां धार्मिक संस्थावां संप्रदावान के सारे नुमाइंदे से जोड़े उन्होंने सारी पोलीटिकल पार्टियां पंजाब दियां सारिया ने हत्थां ते चक लिया सी किसान अंदोलन नूं, ते सारे ही ट्रैक्टरां दे नाल चलदे चलदे आ रहे सी। ईवन इत्थों तक मैं कहना चाहुंदा कि विदेशां च बैठे पंजाबी इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस कैनेडा अमेरिका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो भी रात नूं देख रहे सी अपने टीवियां दे उत्ते कि साडे पंजाबी लोग ट्रैक्टरां ते जा रहे ने, इन्हां दी खुशहाली दा मंग कर रहे सी, दुआवां मंग रहे सी, ते सारा देश एक तरह जुड़िया होया सी। किवें तुसीं देखो उन्हां दिनां दे विच इधरों गंगानगर हनुमानगढ़ तो लोग आए, किवें तराई तो लोग आए। तो कहना मैं चाहुंदा है कि साडे पंजाब ते हरियाणे दे लोकां ने जो उदण अंदोलन की शुरुआत की, तो जो अंदोलन फिर देशव्यापी बनया उहदे विच मैनूं लगदा सी कि अज साडे जिहड़े नौजवान ने साडे जिहड़े किसान ने बजुर्ग ने सारे बाहर खुशियां मनाउणियां शुरू कर देणगे, ते उह मनाईयां वी लोकां ने। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NDTV ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਜੈਸਚਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ
कि असीं समझा नहीं सके कुछ लोगों को। बेशक उन्हें कुछ लोग कहा, पर मैं यह मानता कि अपनी फेलर यह भी मानते हैं कि बहुते लोग साढ़े तो पासे हो रहे हैं, साडा ग्राफ डिग रहा है, बहाना यह ला रहे हैं भी असी कुछ नूं समझा नहीं सके। उन्होंने यदा प्राश्चित भी किया, माफ़ी भी मंगी, पर जिहड़ा प्राश्चित है माफ़ी जिस तरीके नाल जिस मूड दे विच उन्होंने मंगी वो अपने आप नज़ारा देखने वाला है। वो देखने वाला यह है कि जिहड़ा मोदी कदे भी कोई इस किस्म की गल करना नहीं, वो जिस तरीके नाल किसानी नूं संबोधित हो रहा, देश नूं संबोधित हो रहा और माफ़ी मंग रहा है। यह पहली बारी मैं देखिया कि मोदी साहब ने निजी तौर पर इस किस्म का घट्टो घट जैस्चर दिखाया। और उन्होंने यह भी मैं कहना चाहना कि ये भी ये बहाने नाल माफ़ी मंगण लई भी इस किसान अंदोलन की ताकत ने मजबूर किया, ये किसान अंदोलन वधाई का पात्र है। देखो मोदी साहब ने तो माफ़ी मंग ली, पर मैं बहुत सारे जिहड़े नैशनल मीडिया नूं रिप्रेजेंट करते हैं रिपोर्टर्स हो गए भावें दिल्ली के हो गए जिहड़े अपने आप दे विच कहिंदे कि वड्डे फेस आ स्टूडियो बैठ के, खैर वो लोग तो पूरा स्टैंड ला के खड़े हो कहिंदे कि 56 इंच की छाती किधर गई, कहिंदे कि इलैक्शन दे विच बहुत असीं यह प्रचार प्रसार किया पर इस तरह तो लोग डिमोरलाइज होणगे। इन्हां चीज़ों नूं की मैसेज की दोगे उन्होंने जो मुड़ के? नहीं, अब चैनल से भी कई लोगों नाल बहस हुई है, मतलब कि चैनल से भी जिहड़े इन्हां दे पक्षी ने पिट्टे ने, जिवें असीं कहा सी अज बड़ा वधिया दिन है, बड़ा वड्डा दिन है। एक तो अज सवेरे बुद्धि जी भी कह रहा सी उन्हां दा किहड़े टीवी ते शायद कि अज देश दा सब तो काला दिन है, मतलब कि इस किस्म नाल लोगों ने पेश किया देश दा बहुत नुकसान हो जूगा। ये बहुत सारे चैनलों ने इस किस्म के बंदे सी जिहड़े वह भी आए ने बहस अज मेरे नाल। तो मेरा कहने तो भाव यह है भी वो जो वह तो शुरू तो करते आ रहे हैं, उन्होंने शुरू तो ही किसानों वर देखो किसानी एक वो तबका है जिहड़ा तबका चाहे पंजाब दा चाहे वह केरला दा जिहदी पैदावार दे नाल जन्म है जिहड़ा वो बच्चा जन्म लैंदा, उहदी पैदावार उहदी दित्तियां होईयां चीज़ां तो बगैर बच्चा भी नहीं 9 महीने बाद पैदा हो सकता। बच्चा भी 9 महीने बाद जदों पैदा होकर दुध चुंघदा है वह दुध भी माँ का किस खेतों चो आई हुई चीज़ों नाल ही बनया हुंदा। इस करके जिंदगी जिहड़ी चलती है वह चलती ही कुदरत दे चीज़ां नाल है जिहड़ियां किसान मजदूर धरती चो पैदा करदे ने। सो उन्हां दी हुण अज भी कोई कह रहा सी आखे देश का बुरा हाल हो जूगा, देश की तो लोगों का देश है ना, मजदूरों किसानों का देश है। अगर वह पैदावार करने वाले लोगों का माड़ा हाल है तो देश की कड़ी हो चंगई कड़ी होजूगी? कुछ कारपोरेट घराण का कुछ व्डे इंडस्ट्रियलिस्टा का फायदा होने देश थोड़ा वधिया होजूगा? असल च रिफॉर्म करने का भी जो गल करते हैं कि सुधारा की लोड़ है, वो सुधार कारपोरेट के हक च मल्टीनैशनल्स के हक के पूंजीपतियों के हक से जोड़े सुधार ने। फॉर एग्जाम्पल हस्पतालों के सुधार आया सवेवा च, कोई अज बंदा हार्ट का ऑपरेशन जिहदे कोल इंश्योरेंस नहीं है करा सकता जाके वह मर जाते हैं लोग, कोविड के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। सो इस करके सुधार जिहड़े हस्पतालों के किए ने, एजुकेशन च किए ने, होर सैक्टर च कर रहे ने, आम लोगों के कोल खुसदियां जा रही चीज़ा, साड़ी जमीन साड़ी जमीर साड़ियां फसलां साड़ियां नस्लां वो सारे कुछ नूं कारपोरेट के कोल गहने रखने की तजवीज़ सी ये 3 कानूनों की, और 3 कानूनों के जरिए उन्होंने असी हमला सीधा कारपोरेटा का वो रोकण च कामयाब होए हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, MSP ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਉ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20-50 ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਲੜਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੂਰਾ ਦਾਮ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਪੂਰਾ ਦਾਮ MSP ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਕੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲੈ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕਰਤੇ, ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, WTO ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ WTO ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ WTO 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਥਰੈਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋੜ ਮਚੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
पर मोर्चे दे विच्चों चर्चा यह भी चलती सी कि पार्टी निकल सकती है कोई या जो कुछ एक जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां तो लगता है कि सपोर्ट करनगे जिदा हुण तक कई जथेबंदियां करदियां आईयां ने पैरल तौर ते। मैनूं निजी तौर ते यह लगता सी भी मोर्चा अगर चलदा रहिंदा मोर्चे दे विच्च जे कोई लोग साडे विच्चों चाहुंदे ने जथेबंदियां दे भी असीं इलैक्शन लड़ लईए तां असीं सारे रल के कहीए भी तुसीं लड़ लो चलो। मेरी अंडरसटैंडिंग सी इह मोर्चा चलता रहे लेकिन मोर्चा खत्म करके तो फिर अपना होगा ना पावर लैंड की गल होगी वो ये कि मोर्चे नू तकड़ा कर ली कि यह दापेच साढ़े काम आ सकता उस नज़रिए तो वो ते भी कोई चर्चा नहीं हुई कोई बहस नहीं हुई इस करके मैं अपने विचार से जोड़े वो रिजर्व रखे हुए थे कदे डिस्कशन हुई ही नहीं पार्टी बनाने जा रहे ने उन्होंने चर्चा हुई कदे क्योंकि थोड़े साथी ने एसकेएम दे मेंबर मेरी वैसे भी निजी तौर पर गल हुई तुसीं बंद करो ये गल हुण क्योंकि अंदोलन के दौरान इस किस्म की जी गल है वैसे भी चलूनी उस किस्म का पंजाब दीयां जथेबंदियां तो बगैर इलैक्शन दे विच भी किसी बाहरों जाके व्यक्ति नूं या जथेबंदी नूं कोई रिस्पोंस नहीं मिलेगा मेरे तो अज लिखा के लै लो नहीं मिलेगा रिस्पोंस तुसीं उहनां नूं दसता भी रिस्पोंस तुहानूं मिलना नहीं गा क्यों जा रहे हो फिर बथेरी वारी दसता है तो रोज़ चर्चा चाहुंदा मीटिंगां चाहुंदा पंजाब दीयां जथेबंदियां नूं रिस्पोंस मिल सकदा लीडरां नूं रिस्पोंस मिल सकदा लेकिन किसान अंदोलन शामिल लीडरां नूं मेरी अपील है कि वह अपने किसान अंदोलन की तीव्रता से विशालता बनाने वास्ते ज़्यादा जोर लाने। ठीक है मेरा अखीरला सवाल है कल मीटिंग होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चे की विचार चर्चा की होएगी फिर ऑफिशियल सद्दे पत्र नूं लेके भी गलबात होएगी या सरकार दे नाल कोई गलबात सद्दा पत्र है मैं आप कहना कि सरकार नूं कहना चाहिए कि आओ बाकी मुद्दों पर गल करिए बाकी चीज़ों पर गल करिए एक चीज़ हल हो गई ये कहने वास्ते सरकार सद्दा देवे चंगी गल है उहदे ते फिर असीं कर लांगे। कल साडी 9 मैंबरी कमेटी की मीटिंग है पहला परसों नूं 32 जथेबंदियां दी है फिर उस तो बाद वड्डी साडी जिहड़ी मेन बॉडी है एसकेएम की 2 बजे 1 बजे सॉरी उहदी मीटिंग है सो परसों शाम तक मीटिंगां चलणगियां उहदे चों की सरकार वल्लों अगर आऊगी कोई चिट्ठी उहनूं विचार लांगे नहीं अदरवाइज अंदोलन जारी साडा रहना ही है। अंदोलन दे विच क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा कल्ला पंजाब दीयां जथेबंदियां दा तां है नहीं बहुत सारिया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी हरियाणे दीयां जथेबंदियां ने जिन्हां दे अंदर MSP दा मसला काफ़ी मेन मसला है सो इस करके अंदोलन दे फ्यूचर बारे SKM दी वड्डी मीटिंग दे विच ही फैसला होगा। थैंक यू। सीनियर किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल साढ़े नाल मौजूद सन सिंघू बॉर्डर की स्टेज के नज़दीक असं इस वेले मौजूद हाँ तो उन्होंने कहा है कि जदों उन्होंने इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री हुणा ने इस तरीके दे नाल अनाउंसमेंट कोई की है तो वह कहें कि मैं कितने जाना सी जो मैं सूचना मिली तो मैं भी हैरानी हुई और पर उन्होंने कहा कि मैं खुशी भी हुई इस चीज़ की तो नाल ही उन्होंने कहा कि गम भी होया दुख भी होया कि बहुत सारिया शहादत हुई ने नाल ही उन्होंने राजनीति में लैके खास तौर पर कहा है कि पंजाब दे जिन्ने भी सियासतदान ने या पंजाब दे जिन्नियां भी जथेबंदियां दे आगू ने उन्हां नूं जरूर रिस्पोंस मिल सकदा इलैक्शन दे विच पर गुरनाम सिंह चडूनी नूं कोई इस तरह का रिस्पोंस नहीं मिलेगा। डॉक्टर दर्शनपाल हुणा ने कहा कि उन्होंने कहा कि बकायदा तौर पर परसनली मुलाकातां जदों हुईआं चडूनी हुणा दे नाल तां उदों भी इन्हां ने कहा कि तुहानूं रिस्पोंस नहीं मिलना तां तुसीं इंटरफेरेंस पंजाब दे इलैक्शन दे विच ना करो पंजाब दे दियां जथेबंदियां ही इलैक्शन दे विच इंटरफेयर करन तां बेहतर रहेगा यह भी गल इन्होंने कही है तो उन्होंने रिस्पोंस मिल सकता पर नाल ही इन्होंने कहा है कि SKM की कल वड्डी मीटिंग होने जा रही है उस दे विच विचारिया जाएगा कि सरकार दे नाल की गल्लां बातां करनियां ने ते नाल ही सरकार नूं भी इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं भी अपील है कि वह ऑफिशियल मीटिंग कॉल करन उस तो बाद कोई फैसला लिया जाए नहीं तो फिर किसानां दा अंदोलन यह इस तरह जारी रहेगा। कैमरा परसन जगजीत दे नाल विक्रम सिंह प्रो पंजाब TV सिंघू बॉर्डर दिल्ली।